सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर करण। सत श्री अकाल, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सब बेटर होंगे, अच्छे होंगे। तो भाई आज फिर बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि समय मिला, थोड़ा सा फ्री हुआ तो ब्लॉग बना रहा हूँ एक्सेस के ऊपर पे। लास्ट टाइम जब मैंने एक्सेस पे हॉर्न इंस्टॉल किया था तो उस पर मैंने हेला का ब्लैक पल हॉर्न लगाया था, ठीक है। तो वो हॉर्न जो है थोड़ा मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो हॉर्न जो है मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे जिस तरह से साउंड लाउडनेस चाहिए, शार्पनेस चाहिए कि भाई अगला बंदा हट जाए, क्योंकि एक्सेस का हॉर्न जो है वो साइड बॉडी के अंदर लगाया मैंने, तो अंदर बॉडी के अंदर आवाज़ दब जाती है, तो वो हॉर्न का उतने कैपेसिटी है जो आवाज़ को थ्रो करता है। लेकिन अभी मैंने जो हॉर्न जो रिप्लेस करना है, तो अब मैं जा रहा हूँ हेला के क्रोम पे, क्योंकि वो हॉर्न मेरे होंडा डियो स्कूटी पे लगा हुआ है, ठीक है। तो वो हॉर्न लगा हुआ है 3 साल से, और भाई उसकी आवाज़ सबसे लाउडेस्ट शार्पेस्ट है कि भाई अगला बंदा डर जाए, उस टाइप का हॉर्न है वो। तो मैंने बहुत सारे हॉर्न्स मंगाए हैं, बहुत सारे हॉर्न वीडियो बनाए हैं, आपने देखा है रूट्स का क्रोम का वीडियो बनाया जो मैंने R5 में लगाया था, उसके बाद दुनिया तरह के हॉर्न लगाए हैं, हेला के मैंने बहुत सारे हॉर्न्स, रूट्स का भी एक इलेक्ट्रॉनिक हॉर्न जो R5 version 4 पे लगाया था, ठीक है। तो वो सब हॉर्न छोटे हो गए, थोड़ा सा मुझे एक्सेस में थोड़ा बड़ा हॉर्न चाहिए था जो मेरे डियो पे लगा, क्योंकि बॉडी के अंदर का हॉर्न जो है वो बॉडी के अंदर लगा हुआ है, तो जो हॉर्न का जो थ्रू है ना आवाज़ जो उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो बाहर तक आनी चाहिए, उतना लाउड होना चाहिए। तो इसलिए मैंने जो भी सोचा कि हॉर्न को रिप्लेस करूँगा, हॉर्न रिप्लेस होगी तो न्यू वायरिंग बनाऊंगा, वायरिंग थोड़ी जो मोटी करूंगा, मतलब वायरिंग जो है न्यू लेके आया हूँ मैं। तो हॉर्न बड़ा लग रहा है, जाहिर सी बात है हॉर्न का एम्पियर भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा पावर खींचे कंज्यूम करेगा एम्पियर, तो हॉर्न का वायर भी थोड़ा सा मोटा चाहिए, तो वायर भी मोटा लेके आया हूँ। और नया स्लीव बनने जा रही है, हॉर्न की जो स्लीव होती है, हॉर्न की स्लीव मतलब कि जो वायर की स्लीव है ना, ऊपर कवर प्रोटेक्शन हो गया इंडक्ट, तो वो चेंज होने वाली है, कुछ न्यू तरह का डालेंगे, ठीक है इस बार। तो वीडियो को लगे रहना एंड तक देखना। तो चलते हैं, सबको पार्ट्स दिखाते हैं क्या क्या चीज़ चेंज होगा, हॉर्न का इंट्रोडक्शन कराते हैं, बाहर लगी हुई है एक्सेस, और सब जो काम करना शुरू करते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखना, बड़ी मज़ा आएगा, और शेयर भी करोगे ये मुझे गारंटी, मुझे पता बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आगे। तो यहाँ भाई अपना सारा सामान जो आपको दिखाने लाऊं, ठीक है, ये अपना बॉक्स आया हुआ है हॉर्न का, ये देखो हेला का क्रोम यही लगने वाला है हॉर्न, ठीक है। तो ये जो हॉर्न है ब्लैक पर्ल, ये जो मेरे पहले एक्सेस में लगा था, अपने जो वीडियो पहले मैंने बनाई थी हॉर्न इंस्टॉलेशन की, कंप्लीट वायरिंग बनाया था भाई, एकदम OEM टाइप वायरिंग बनाया था, आपने वीडियो बहुत पसंद की थी, मुझे मालूम है, आप लोगों को कह रहे थे कि भाई वायरिंग बहुत खतरनाक बना दी, ऐसा लग रहा है कि कंपनी का OEM वायरिंग है, सेम उसी तरह से वायरिंग बनेगी, ठीक है। तो ये हॉर्न जो मैंने पहले लगाया था, तो ये हॉर्न से मैं सेटिस्फाई नहीं था, हॉर्न की आवाज़ बहुत ज़ोर है, नो डाउट इसकी आवाज़ बहुत ज़ोर है, क्योंकि ये हॉर्न जब बाहर लगेगा ना बॉडी की तरफ, मतलब कि जब हवा पे हॉर्न रहता है तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन एक्सेस में क्या कि वो बॉडी के अंदर हॉर्न है, मतलब साइड बॉडी देख रहे हो ना उसके अंदर लगा हुआ, तो मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। उसके बाद ये हॉर्न का बाद फिर मैंने हाइड्रोसोनिक हॉर्न लगाया था, हाइड्रोसोनिक का, ठीक है। एक मिनट आपको बता देता हूँ, पहले दिखा देता हूँ कौन सा हॉर्न है, उसके बाद ये देखो ये हॉर्न जो है मैंने लगाया था, आपको याद होगा, ये देखो यही हॉर्न जो है मैंने पहले लगाया था, न्यू का न्यू है पूरा, एक भी स्क्रैच नहीं, लग ही नहीं रहा कि हॉर्न भी इंस्टॉल हुआ था भाई, ऐसा है, ठीक है। खोल के मैंने साफ़ कर दिया अच्छा से इसको, एकदम न्यू हो गया, दोनों सेट इसी पे पड़े हुए हैं, ये मेरा हॉर्न जो है पड़े रहेगा, ये वेस्ट हो गया लगता मुझे, कोई और गाड़ी में लगने वाला है नहीं, क्योंकि सब में लगा हुआ है, R15 में लगा हुआ है, V4 में लगा हुआ है, आपका डीओ में भी लगा हुआ है, डीओ में यही सिल्वर वाला हॉर्न लगा हुआ है, बहुत साल से लगे हुए, 2-3 साल से लगे हुए, उसके बाद ये अब मेरे पास एक्स्ट्रा है। किसी को चाहिए होगा हॉर्न तो भाई मेरे को DM करना इंस्टाग्राम में, कोई भी मेरे आसपास में रहता है जमशेदपुर कहीं भी, भाई कुरियर कर दूंगा हॉर्न, मैं वाला न्यू हॉर्न है एकदम, जस्ट कितना दिन हुए, 4 महीने खाली यूज़ भी किया इसको, 4 महीने भी यूज़ नहीं किया, 2 महीने यूज़ किया, क्योंकि 2 महीने बाद मैंने इस पर लगा दिया था एक्सेस पे हाइड्रोसोनिक के हॉर्न, वो भी मुझे मिले थे क्या बोलते हैं अमेजोन से, हाइड्रोसोनिक के हॉर्न, मुझे लगा कि वो लाउड होगा इससे, लेकिन वो तो इससे भी खत्म हॉर्न था, मतलब उसकी साउंड ही नहीं थी, खाली हॉर्न दिखने में साइज में बड़ा था लेकिन कुछ आवाज़ नहीं थी। तो उसको मैंने खोल के जो अपनी फ्रेंड को सेल कर दिया, ठीक है, वो हॉर्न को, लेकिन ये मैंने रखा हुआ कि ये हॉर्न मेरा न्यू पड़ा हुआ है, लगा ब्लैक पर, ये बहुत कॉस्टली हॉर्न है, 1000 रुपये के आसपास का ऊपर हॉर्न है वाला, तो ये रखा हुआ मैंने, अगर किसी को चाहिए होगा DM करना, मैं उसको दे दूंगा, कुरियर कर दूंगा भाई, जो भी पैसे लेन देन होगी बात कर लेंगे, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसको साइड कर देते हैं, ये पुराना चीज़ है आपको दिखाना था, और ये रहा न्यू हॉर्न आपको, या ये देखो ये हो गया हेला का क्रोम भाई, एकदम न्यू फ्रेश पीस है हॉर्न, अभी इसका दाम भी 2000 के आसपास हो गया भाई, ये देखो 1830 रुपये दाम दिखा रहा है, तो मुझे ये 1500 रुपये पड़ा, ठीक है। तो ये हॉर्न न्यू बॉक्स, जस्ट मैन्युफैक्चर न्यू है अभी, लगता है ये मैन्युफैक्चर अभी हाल फिलहाल का ही है, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, देखो, ठीक है। तो ये हॉर्न को अनबॉक्सिंग करके दिखाई देते हैं आपको, अंतर में देखो 510/60 से 410 सिल्वर कलर का क्रोम, और साइज़ में काफ़ी बड़ा हॉर्न है, तो ये बड़ा हॉर्न इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस बार वायरिंग भी चेंज करनी है अपनी,
एक्सिस में लास्ट टाइम जो वायरिंग हुई थी ना, वायरिंग भी चेंज करेंगे। लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि इस तरह की वायरिंग हुई थी, ये रूट्स की वायर जो मेरे पास में थी, ये देखो ये मेरे पास पतली थी वायर, थोड़ी सी 0.75 या 0.5 mm वायर, देखो बहुत पतली वायर है ये, बहुत पतली, मतलब कि आप सोच लो जो छोटे छोटे टॉयज रहते हैं ना उसमें हॉर्न लगा जो वायरिंग होती है उस तरह की पतला, लेकिन ये ऑटो वायर है, ये सस्टेन कर लेता है सारा, जो लाइट्स हो गए हॉर्न हो गए सस्टेन कर रहा था। लेकिन मैं रिस्क नहीं ले रहा इस बार, मैं सोचा कि थोड़ा भाई वायरिंग भी चेंज करेंगे, आपके लिए हेल्प की वीडियो बन जाएगी कि वायरिंग कैसे करें दोबारा से। और वायरिंग जो है बहुत मोटी लेके आया हूँ मैं अभी, तो इसको साइड करते हैं, ये वाली केबल सब इसको हटा देते हैं, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। तो इसको हटा दिया है, तो अब जो नया होने वाला है आपको दिखा देता हूँ, सब पार्ट्स आपको दिखाने के लिए क्या हूँ। न्यू हॉर्न में जो है वायरिंग में, देखो न्यू हॉर्न का क्लिप्स भी है मेरे पास में, देखो भाई ये देखो न्यू क्लिप्स हॉर्न के हो गए, ठीक है। टर्मिनल केबल भी हो गया अंदर, टर्मिनल वाला जो रहता है क्रिम, ठीक है, ये देखो हो गया हॉर्न क्लिप्स, बहुत है अपने पास। कवर भी है, हॉर्न के कवर भी लेके आता हूँ, वो भी दिखाऊँगा आपको। और नया चीज़ ये देखो, ये हो गया न्यू हॉर्न का वायर, ये देखो भाई ये वायर कितना मोटा है, ठीक है, ये कम से कम 1.5 से 2 mm का वायर है और काफ़ी मोटा वायर। तो ये वायर से जो है अपनी न्यू हॉर्न की वायरिंग होगी, ये वही 3-4 meter मैंने ले आया था मैं, चलो भाई काम आ जाएगा इधर उधर कहीं वायरिंग वायरिंग। ये आपको मिल जाएगा ऑटो इलेक्ट्रिकल शॉप में, ये ट्रक में वायरिंग वगैरह होती है, ये ट्रक की जो लाइट्स वगैरह होती है ना 24 वोल्ट वाली वायर है, ये वाली एकदम मोटी है, ठीक है। वायर देख लो, चेकआउट कर लो, वायर काफ़ी मोटा है। तो ये वायर से मैं अब वही रिले की वायरिंग होगी और हॉर्न की वायरिंग होगी। एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, लास्ट टाइम जो मैंने वायरिंग की थी ना एक्सेस पे हॉर्न की, वो वायर मैंने पूरी कबाड़ दी है, ठीक है। तो वो वायरिंग जो मैंने कबाड़ के लेके आया गया हूँ, और आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, सो सारा खाली कर देते हैं। ये देखो ये जो वायर देख रहे हो ना, ये लगाओ था एक्सेस में पहले, ये देखो ये वायर कितना पतला है, ये देखो ये वायर सेट जो है जो मैंने घर पे बनाई थी आपको सर्किट डायग्राम दिखा करके, तो ये वायर सेट है जो मैंने खोल के आपको ला के दिखाया। ये स्लीव चढ़ाओ, देखो वायर कितनी पतली, मैंने डबल भी किया था वायर को, देखो आपको याद होगा जिसने वीडियो देखी है पुरानी वाली उसे मालूम होगा कि मैंने वायर डबल कर दिया था, क्योंकि वायर बहुत पतली थी मेरे पास उस समय था नहीं। तो ये वायर है देखो, ये मैंने खोल दिया, देखो आधा आधा वायर सब कैसे कितना पतला पतला है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई मोटा वायर इस बार डालेंगे, और ये वाली स्लीव जो है ये नहीं डालूंगा इस बार, स्लीव कुछ और आने वाली है, तो इस बार लगेगी ब्रेडेड स्लीव जो कि मेरे पास में है, ये आपको दिखा देता है। ये देखो ये भी भाई आया हुआ है अमेज़ॉन से, ये देखो ये हो गया ब्रेडेड स्लीव, जो कि आजकल के न्यू BS6 गाड़ी, BS4 गाड़ी में, चाहे 4-wheeler हो 2-wheeler हो, सब में जो वायरिंग हो रही है ना, तो ये ब्रेडेड स्लीव से हो रही है, ठीक है। तो ये इसको सबसे ज़्यादा हीट प्रूफ माना जाता है और फायर प्रूफ माना जाता है ये स्लीव को। तो आपको थोड़ा सा निकाल कर दिखा देते हैं, ये देखो कुछ इस तरह का स्लीव रहता है, ठीक है, ये देखो ये ब्रेडेड बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर से वायर पास करके और इसको जो है हीट सिंक ट्यूब से कर दिया जाता है टाइट इसको, ठीक है। तो ये टाइप की स्लीव जो है ये डलेगी, और ये हो गया आपका स्लीव का। और रिले जो है ये भी खोल लिया पुराना, रूट्स का रिले देखो लगा हुआ है, ये देखो रूट्स लिखा हुआ है रिले पे। तो ये जो है रिले पहले लगाया था मैंने, फिर खोल दिया आपके लिए ही खोला कि फिर से रीवायरिंग होगी, सब चीज़ होगी। तो चीज़ जो है मैंने आपको वो दिखाई दिया है, ठीक है, क्या क्या होने वाला। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन लग रहा है कि भाई पहले वायरिंग कैसे की थी, पहले सब कैसे किया था, ये सब वायर जो पहले लगाया था OEM टाइप का, तो उसकी वीडियो की लिंक जो डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे चेक करना, वहाँ पे खोलना, वो वीडियो पहले देख लो भाई, कितना मिनट का मुझे पता नहीं, शायद बहुत वीडियो लंबा भी है, 15-20 मिनट का होगा वीडियो, वो देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना, तब समझ में आएगी कि हाँ भाई करना भाई क्या वायरिंग के बारे में बात करें, किस बारे बात कर रहे हैं। और ये वीडियो जो न्यू देख रहे हैं तो भाई ध्यान से देखना, बहुत ज़बरदस्त सब चीज़ बना रहे हैं, वायरिंग सब मोटी लग रही है, न्यू हॉर्न लग रहा है, पुराना हॉर्न जो है आपका इधर रखा हुआ, ये जो खोल दिया मैंने लगा हुआ था, ठीक है। तो रिले के साथ प्योर कंप्लीट वायरिंग घर पे, जो बाहर से वायरिंग खरीदते हैं भाई 700-800 की वायरिंग बेवकूफ़ बनाते हैं, कंपनी एला का हो गया चाहे रूट्स का हो गया, घर पे वायरिंग बना लेंगे भाई 200 रुपये के अंदर में, रिले का साथ बन जाएगा, रिले भी हो गई है जहाँ आपकी बैटरी सेव होगी, चाहे आपका ये वायरिंग कोई भी गाड़ी के लिए हो गई, आपकी डीओ हो चाहे एक्सेस हो चाहे एक्टिवा हो चाहे कोई भी स्कूटी हो, कोई भी बाइक टू व्हीलर हो, या कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन वायरिंग सबकी सेम होती है। ये मेरे पास है हीट सिंक ट्यूब, आपको ये भी दिखा देते हैं भाई, ये देखो ये होता है हीट सिंक ट्यूब, ये देखो ब्लैक वाली ये ट्यूब होती है ना, इसको ट्यूब चढ़ा करके इसको गर्म करोगे लाइटर से तो ये श्रिंक हो जाती है, चिपक जाती है, उसके बाद आपकी वायर जो है आपका ब्रेडेड वाला
स्लीव और वायर को साथ में चिपका देगी ये वाली। ये सब करके दिखाऊंगा आपको, आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत जन को समझ में नहीं आएगा, जो समझ गए हैं वो उनको मालूम है। तो ये हीट सिंक ट्यूब हो गई मेरे पास में, एक देखो ब्लैक में पतली भी है ठीक है, और एक थोड़ा मोटा है, और एक ट्रांसपेरेंट भी है अपने पास, ये देखो एक ट्रांसपेरेंट वाला भी है ठीक है। हीट सिंक ट्यूब सारे इलेक्ट्रिकल शॉप में मिलता है भाई, सारा जुगाड़ है मेरे पास में एकदम भर्ती, घर पर दुकान खोला हुआ सारा चीज़ का ठीक है। तो अभी सब सामान लेके चलते हैं बाहर, एक्सेस खड़ी है और वहाँ पे फिर सारा जो है काम करना वहाँ पे स्टार्ट करते हैं, फिर वहाँ पे दिखाते हैं आपको। पहले आपको जो हॉर्न की अनबॉक्सिंग करके दिखा देते हैं ठीक है, तो हॉर्न कैसा दिखता है तो आपको निकाल कर दिखा देते हैं भाई। एक हाथ से रिकॉर्डिंग हो रही है, एक हाथ से काम, ये देखो भाई ये हो गया क्रोम हॉर्न, चमक रही है भाई एकदम शीशे की जैसा। ये हॉर्न का साइज़ देखो भाई काफ़ी बड़ा है ठीक है, ये देखो ये हॉर्न का साइज़ देखो कितना बड़ा है, ये कितना जोर, सबसे लाउड लाउड हॉर्न मुझे अभी तक यही लगा है ठीक है। तो ये देखो है लगा 510 हर्ट्ज़ हो गया ये। यूनिवर्सल वायरिंग देखो, क्लिप ब्लेड फ्यूज़ ये भी सेम हो गया 410, ये देखो भाई कितना बड़ा हॉर्न है। तो इसको पहले फिट कर लेंगे एक्सिस में साइड पे जहाँ पहले पुराना हॉर्न लगा हुआ था, और फिर उसके बाद वायरिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं बाहर, ये भाई देखो भाई क्या ज़बरदस्त लग रहा हॉर्न, यही हॉर्न लगाना था पहले मुझे, पर पहले नहीं लगाया, मैंने सोचा कि चलो भाई ये ब्लैक वाला हॉर्न लगा लेते हैं, सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हो जाएगा काम, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। लेकिन लास्ट में फिर ये लगाना पड़ा घूम फिर के मेरे को, क्योंकि यही हॉर्न पे जाकर मैं स्टॉप हो जाता हूँ, ये हॉर्न लास्ट है, इसके बाद मुझे कोई हॉर्न दिखता भी नहीं है, चाहे वो आपका क्रेटा का ओरिजिनल हॉर्न भी हो 3000 रुपये का एक पीस हो तो भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये जो चीज़ है ये अलग ही नेक्स्ट लेवल का चीज़ है भाई ये वाला ठीक है। तो चलिए चलते हैं बाहर पे और उसको फिटिंग करते हैं, वायरिंग वायरिंग क्या करनी फिर आपको दिखाते हैं। ये चेकआउट कर लो भाई अपना 9811, ये भाई ये जो जानते हैं इसका मतलब उन्हें पता है 9811 क्या होता है भाई, ये सिद्धू भाई लेजेंड भाई उनका ये शॉर्ट नेम है ठीक है। तो ये मैंने अपने एक्सेस में भी लिखा दिया है, क्योंकि सिद्धू भाई की फ़ोटो लगाने से भाई उनकी सेवा करनी पड़ेगी, डस्ट वगैरह नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई लेजेंड की फ़ोटो लगा रहे हो तो भाई उनकी सेवा करनी पड़ेगी, डस्ट डस्ट वगैरह नहीं आना चाहिए, गंदा चीज़ नहीं आना चाहिए, इसलिए वो चीज़ को सेफ रखते हुए उनका शॉर्ट नेम जो है वो बाड़ी पे लिखाया भाई, बहुत सेक्सी लग रहा था ये। और जो भी हॉर्न का काम अभी है वो करना स्टार्ट करेंगे, सब सब खोलते हैं कवर्स आगे का और सारा काम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ अपने डीओ भाई देख लो भाई, यहाँ भी लिखा है भाई लेजेंड का नाम, और आपको दिखाना ये था कि इसमें भी सिल्वर हॉर्न लगा हुआ है, देखो अंदर पे थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, लेकिन ये देखो आपको दिख रहा होगा ये चीज़ जो है सिल्वर वाला हॉर्न ये लगा हुआ है अलग अंदर पे ठीक है, दोनों साइड पे लगा हुआ है अंदर पे। तो ये चीज़ आपको दिखाना था कि इस पर भी सेम हॉर्न लगा हुआ है 3 साल से, और ये बम बम चल रहा सबसे लाउडेस्ट। तो सारे पार्ट्स जो है बाहर लेके आ गया हूँ ठीक है, चेक कर लो, सारा लेके आ गया हूँ कार्टून वगैरह में रख के, और अभी खोलना स्टार्ट करते हैं इसको। कैसे खोलना आपको मालूम है, नीचे 2 रिवेट रहती है और यहाँ बैक में 2 स्क्रू रहता है ऊपर में यहाँ पे ये सेट पे। सो खोल के फिर कवर खोल के फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ जो है कवर खोल लिया ठीक है, और पुरानी वायरिंग जो है सारी खोल ली थी मैंने, और पुराने जो हॉर्न लगा हुआ था अंदर पे यहाँ पे दोनों साइड पे तो वो निकाल दिया मैंने जानबूझ करके, और स्टॉक हॉर्न जो लगा दिया जानबूझ करके कि ये वीडियो आप जो भी नया देखेगा तो उसे वायरिंग पूरी मालूम चल जाएगी, फिटिंग मालूम चल जाएगी। और जिन्हें फिर भी कन्फ्यूजन है वो पुरानी वीडियो देखें, जो पुरानी हॉर्न लगी थी उससे वायरिंग बहुत ज़बरदस्त हुआ था, और उस पर कुछ ज़्यादा डिटेल्स था, इस वीडियो से ज़्यादा डिटेल उस वीडियो पर है ठीक है। तो ये वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा कम बताऊँगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो ये हो गया अंदर पत्ती वगैरह लगा हुआ हॉर्न का ठीक है। तो साइड पर पहले माउंटिंग कर लेते हैं इसको हॉर्न को, फिर आपको दिखाते हैं। अभी इस बार जो है रिले मैं लगाने वाला हूँ इस वाले बोल्ट पे ठीक है, तो यहाँ पर रिले लगाऊंगी, यहाँ पे वायरिंग जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। और लास्ट टाइम जो रिले मैंने यहाँ पे लगाया था, ये हॉर्न का जो बोल्ट देख रहे हो ना यहाँ पे लगाया था, बहुत कंजस्टेड हो गया था, मडगार्ड है और साइड में बॉडी है, तो अंदर हाथ जाने में दिक्कत हो रही थी वायरिंग लगाने में। तो मैं चाह रहा हूँ कि वायरिंग जो है थोड़ा सा खुला हो, आराम से हो, तो यहाँ जस्ट बैटरी के पीछे यहाँ 10 का बोल्ट है, यहाँ पर जो है अपना रिले कहाँ गया भाई, रिले ये देखो ये रहा रिले। तो रिले जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा दूंगा ताकि वायरिंग जो है मेरी आराम से हो जाए, और ये जो हॉर्न का स्टॉक हॉर्न का वायर है जो इस पे लगने वाला है इसको मैं एक्सटेंशन ले लूँगा यहाँ से, वायरिंग करके न्यू यहाँ लगा दूंगा, और यहाँ पे जो है कंडस्टेड वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ फाइनली मैंने दोनों साइड हॉर्न इंस्टॉल कर दिए, देखो ये राइट साइड पर लगा हुआ है, सॉरी लेफ्ट साइड पर है ठीक है, उस साइड से लेफ्ट साइड पर, और फ्रंट से ये हो गया राइट साइड ठीक है, ये देखो। तो इस बार मैंने जो ब्लिंकर बिना ब्लिंकर खोले जो अंदर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे
लास्ट टाइम देखो मैंने यहाँ पे बैटरी अभी मैंने खोली हुई है, तो यहाँ पे देखो एक एक्सटेंशन जो है पत्ती दी थी, हॉर्न की पत्ती एक्सटेंशन थी वो दी थी। ये सारा डिटेल जो है मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, जब उस टाइम भी हॉर्न इंस्टॉल हुई थी तो वो उस समय दिखाया था, तो उस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लेना जिन्होंने नहीं देखा, और जिन्होंने देखा उन्हें पता ही कि मैंने कैसे अंदर इंस्टॉल किया हॉर्न, क्योंकि बाकी सब वीडियो में देखा होगा आपने को लोग यहाँ पे स्क्रू पे लगा देते हैं हॉर्न, कभी यहाँ लगा देते हैं कभी यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर वाइब्रेशन होता है तो शॉर्ट सर्किट का चांसेस होता है, ठीक है। तो ये सेफ जगह नहीं होती, तो मैंने बैटरी निकाल दिया है, ठीक है। देखो यहाँ से, यहाँ चार्जर से एक पत्ती एक्सटेंशन लेके लेफ्ट साइड के देखो अंदर पे हॉर्न लगा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो मैं थोड़ा हल्का जूम कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ चेकआउट कर लो, ठीक है। तो लास्ट वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हूँगा, वो एक बार वीडियो जरूर देख लेना, 15-20 मिनट का वीडियो वो देख लेना, उसके बाद फिर ये वीडियो देखना, तब समझ में आएगी कि हाँ भाई मैंने कैसे जो इसको फिटिंग किया, ठीक है। बिना ब्लिंकर खोले मैंने इस बार हो गया आराम से, क्योंकि लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस था मुझे कि कैसे फिटिंग करना है। तो देखो यहाँ पे जहाँ ओरिजिनल हॉर्न लगता है ना, ओरिजिनल हॉर्न का पत्ती से यहाँ से एक पत्ती लिया, ठीक है, हॉर्न का पत्ती, और देखो बेंड करके थोड़ा सा लगाया, हैंडल जो है आराम से घूम रहा है, ठीक है। ये देखो हैंडल कहीं सट नहीं रहा, आराम से हॉर्न भी फ्री है, ये दोनों हॉर्न लग गए, अभी खाली करना है इसका वायरिंग। और रिले मैंने यहाँ पे लगा दिया ऊपर पे, देखो ये जो आपका लॉक है ना, लॉक का जो ऊपर पहला बोल्ट रहता 10 का, यहाँ पे देखो, तो यहाँ रिले लगा दिया, यहाँ से इसकी वायरिंग करना स्टार्ट करेंगे, जो दो ओरिजिनल वायर आ रही है गाड़ी से, ठीक है, हॉर्न किए देखो, तो इसको यहाँ से काट के मैं एक्सटेंशन करूँगा हॉर्न को, एक्सटेंशन लेके वायर लेके यहाँ लेके जाऊँगा स्लीव के साथ न्यू मोटी वायर, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा वायरिंग बनना, तो ये अभी करना स्टार्ट कर। ये देख लो भाई ये सर्किट डायग्राम ये मेरा बनाया हुआ लास्ट वीडियो में जब वायरिंग हुई थी सेम हॉर्न के, देखो पूरी वायरिंग बनाई है, डेट भी लिखा है भाई 23/1/2022 जनवरी में हॉर्न इंस्टॉल किए थे उस समय ये सब बनाया सर्किट। ये हो गया रिले जो ऊपर लगा हुआ है, 30 नंबर जाएगा डायरेक्ट बैटरी पे, ठीक है। स्टॉक हॉर्न के दो वायर आ रहे हैं वो 85-86 पे जाएगा, ठीक है। 86 नंबर रहेगा पॉजिटिव, 85 रहेगा नेगेटिव, ठीक है। और 87 से एक रेड वायर, मतलब कि मेन बॉडी वायर जो निकल के हॉर्न पे जा रही है, जो यहाँ पे स्प्लिट हो रही है, और हॉर्न का एक वायर जो है नेगेटिव निकल के दोनों जो मैच हो रहा है, मतलब दोनों ज्वाइंट होकर फिर डर जा रहा है बैटरी पे, नेगेटिव पे बैटरी में डाल दो या कहीं बॉडी में लगा दो, नेगेटिव चाहिए एक हॉर्न को, एक पॉजिटिव जो आ रहा है 87 से, ठीक है। ये हो गया, अब इसके हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, यही होता है वायरिंग, ठीक है। तो ये डायग्राम के हिसाब से अब जो है वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं, वायर निकालते हैं, मापी लेते हैं कितना लेंथ है, पहले स्टॉक हॉर्न के जो वायर है ना पहले इसका मापी लेकर के इसकी वायर जो है रिले तक लेके जाते हैं, उसके बाद फिर हॉर्न का वायरिंग करेंगे। पहले रिले को ऑन करना, रिले पहले काम कर रहा है कि नहीं वो देखना है, ठीक है। तो वो करते हैं पहले, उसके बाद नेक्स्ट न्यू वाले वायर को कोल करके, ठीक है, थोड़ा सा लेंथ ले लेते हैं। तो ये स्टॉक हॉर्न का वायर है, यहाँ से इसको कटिंग करेंगे, यहाँ से लेकर के ये रिले तक ये लेंथ लेकर डबल करके फिर इसमें डालते हैं स्लीव, न्यू वायर पर डबल करके क्लिप लगाते हैं हॉर्न का, ठीक है, क्लिप लगाते हैं और फिर डालते हैं इसके ऊपर कवर, वो आपको दिखा। तो पहले जो आपको दिखाया था ये हो गया हॉर्न के सारे क्लिप्स, ठीक है, ये देखो टर्मिनल ये गोल्डन वाले हो गए हॉर्न के क्लिप्स, ठीक है। और ये हो गया इसका कवर, तो आपको मेरे पास कितने सारे रबड़ वाले कवर है, ठीक है, ये बहुत सारे हैं, ये देखो आपको चेक कर देता हूँ खोल के, ये देखो ये सारे हॉर्न के क्लिप्स बेंड वाले 90 डिग्री भी है, स्ट्रेट भी है, रबड़ वाले सारे हॉर्न के क्लिप्स से कवर, ठीक है। तो ये वायर को काट के एक्सटेंशन करके फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ देखो ये मेन वायर की डायमेंशन ले ली मैंने, ठीक है, ये देखो ये दो वायर जो मैंने कट किया है, ये डायमेंशन की वायर जो है यहाँ स्टॉक से यहाँ से रिले पे आएगी, तो ये साइज़ है देखो वायर का। तो ये वायर को अभी जो है स्लीव में डालेंगे, स्लीव हो गया, ये देखो ब्रेडेड वाला, ये भाई अपने पास बहुत सारा है, ये मंगाया हुआ है अमेज़ॉन से, ये देखो ये ब्रेडेड स्लीव, ये आजकल जो आपका न्यू BS6 कार हो गया, बाइक हो गया, सब में ऐसा वायरिंग के ब्रेडेड स्लीव आ रहे हैं, ठीक है, पुराने वाले बंद हो गए, तो ये स्लीव भी अपने पास है। तो ये स्लीव को, ये वायर को स्लीव अंदर डाल करके इसको कर देंगे, क्या बोलते हैं, ये हो गया मेरे पास हीट श्रिंक ट्यूब डाल करके भाई इसको लाइटर से गर्म करके पैक कर देंगे। तो आपको ये करके दिखाते हैं, तब तक आप इसका टाइम लैप्स देखो भाई ये कैसे करता हूँ मैं। तो यहाँ देखना गाइस, ये जो है ये वायर मैंने बनाया है आपका, ये देखो 90 डिग्री वाला क्लिप जो लगा दिया मैंने, जो मेन वायर आने वाला है आपका हॉर्न का, जो स्कूटी से हॉर्न का है वो मैंने 90 डिग्री का क्लिप लगा दिया, देखो स्लीव कर दिया, ठीक है। और देखो अभी यहाँ पे मैं इसको स्लीविंग कर रहा हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पर डाल दिया हीट सिंक ट्यूब, ठीक है, अभी यहाँ से मैं वायर डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि दूसरा जगह से निकल जाए, देखो ये वायर डाल रहा हूँ, तो ये वहाँ से निकलेगा उस साइड से, ये देखो भाई इस साइड से जो है वायर निकल गया, ये हो गया स्लीव, ठीक है,
ये देखो यहाँ से बाहर निकल गया बाहर, ये होता है स्लीविंग, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा एंड तक इसको निकाल करके अब यहाँ पे जो है इसको देखो यहाँ पे क्या है जो खुला रहता है, देखो ऐसा ब्रेडेड जो है खुल जाएगा तो ये ख़राब लगेगा दिखने में, तो ये रीज़न से यहाँ पे डाल देते हैं ये। देखो इस तरह से ये डल गया आपका हीट सिंक ट्यूब, ठीक है। तो इसको इतना खुला रखना वायर को, हीट सिंक ट्यूब डल गया। अब इसको यहाँ से लाइटर से गर्म करके इसको ये जो है देखो लाइटर जला करके इसको ऐसे चिपका देना है। ये देखो पूरा श्रिंक कर गया ट्यूब ये, ठीक है। देखो पूरा चिपक गया वायर के साथ में, तो ये होता तरीका करने का, ये देखो, ठीक है। ये देखो नया तरीका वायरिंग का, ये देखो ऐसा लग रहा है OEM वायर है। ये देखो हो गया, हीट सिंक ट्यूब डाल दिया, ठीक है, आपका ये भी लग गया, वायरिंग भी बन गई, ठीक है। ये देखो इस तरह से बनती है भाई वायरिंग। ये तरीका चेक करो, ये देखो मैंने अभी बनाया, थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ। ये देखो अभी ये वायर आपके सामने बनाया है, ये देखो ये एक वायर कंप्लीट हो गया। ये जो वायर है ये जो लगेगा मेन आपका हॉर्न से जो नीचे से आ रहा है, ठीक है, ये वायर को छीलेंगे अभी, वहाँ जॉइंट करेंगे, फिर यहाँ भी डाल करके हीट सिंक ट्यूब जो ये देखो ये वाला ट्यूब है, ये ट्यूब डाल करके यहाँ पर फिर इसको लॉक कर देंगे तो ये वायर हो जाएगी रेडी। ये देखो यहाँ पर हीट सिंक ट्यूब डाला ना, ये देखो ये दोनों क्लिप रेडी हो गया, ठीक है। ये देखो ऐसा होता वायरिंग, ऐसा लग रहा है अभी भाई कि ओरिजिनल कंपनी में कहीं वायरिंग हो रही है, ठीक है। ये देखो तो इसको लगा करके फिर आपको दिखा, अभी 90 डिग्री आपका जो है क्लिप लगा हुआ था, और मैंने जो न्यू वायर बनाई है आपके सामने अभी ब्रेडेड वाली, ये देखो ये ब्रेडेड वायर, देख के आपको लग रहा है कि घर पे बनाई हुई है, ये मुझे सच बताना कमेंट रखे कि ये वायर आपको अगर देख के लग रही है कि ये मेरे हाथ से अभी तुरंत आपके सामने में बनी है तो मुझे बताओ। ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी की हॉर्न की वायर बनी हुई है भाई, इतना महंगा 700-800 का वायर लग रहा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से जो है ये वायर कट की हुई है, ठीक है ना, तो कट वाली वायर जो है यहाँ पर डाल के इसमें भी सेम यही ट्यूब डाल करके इसको पैक कर देंगे और यहाँ से वायर आपकी जाएगी रिले तक, ठीक है। ये देखो रिले लगा हुआ है, तो ये करके आपको दिखाते हैं कटिंग करके, फिर पहले वायर को टेप मार लेंगे फिर बाद में हीट सिंक ट्यूब डालते हैं भाई। देखो भाई ये पहला वायर बन रहा है, ठीक है। ये देखो एक साइड का वायर जो मैंने टेपिंग कर लिया, पहले टेपिंग करनी है उसके बाद जो है ये स्लीट डालनी है। देखो हीट सिंक ट्यूब दिख रहा ना, पहले टेपिंग कर लेना दोनों को। ये वायर जाकर देखो लग गई रिले पे, एक ठो लगा दिया मैंने अभी ऐसे ही फंसाया हुआ है ताकि गिर ना जाए वायर, नीचे लटका नहीं रहे। एक फंसा दिया 86 पे, 86 पे हमेशा पॉजिटिव रहेगा याद रखना, हॉर्न का वायर से जो पॉजिटिव आ रहा है ना याद करना, उसको चेक कर लेना यहाँ बैटरी में शॉर्ट करके, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव शॉर्ट कर देख लेना कि कौन सा पॉजिटिव है। इसका जो पॉजिटिव आ रहा है वो 86 में जाएगा याद रखना सर्किट डायग्राम के हिसाब से। तो 86 में मेरे को फंसाया हुआ, देखो जान में से मुझे याद रहेगा, देखो टेप भी मार दिया। तो ये टेप मार के फिर अभी ये हीट सिंक ट्यूब को खींच के ले जाएंगे आगे, और यहाँ पे भाई लाइटर मार के इसको पैक करके फिर आपको ये ओरिजिनल वायर में चढ़ गया, ठीक है। दोनों टेप मार दिया, ये तो आपको दिखा देता हूँ, ये देखो दोनों ओरिजिनल वायर है, ये देखो टेप मार दिया, ये हीट सिंक को खींच के यहाँ तक आगे तक ले गए थोड़ा सा कि दोनों ढक जाए, ठीक है। और ये देखो ये पोजिशन पर ला करके अब यहाँ पर लाइटर मार देंगे और ये जो है पूरा चपक जाएगा और ये आपका वायरिंग हो जाएगा परमानेंट। तो ये देखो भाई लाइटर जलाया हुआ है और ये अपना शेप जो है ले लिया पूरा, ठीक है। देखो ये पूरी वायरिंग जो है बन गई, पूरी ब्रेडेड ओरिजिनल वायर अंदर से आ रही है और यहाँ ब्रेडेड से एक्सटेंशन होकर के जा रही है भाई आपकी रिले पे। ऐसा वायरिंग मुझे दिखाओ, कौन करता है भाई इतना डिसीशन में, कौन बताता है मुझे बताओ भाई। देखो ये देखो ओरिजिनल वायर, ये वायर देख लो ओरिजिनल आ रही है ब्रेडेड के साथ। ये नया तरीका का स्लीव है जो BS6 BS4 गाड़ियाँ में आ रही है, कोई आपको नहीं दिखाया होगा मेरे को छोड़ करके, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो वायरिंग ये वाली हो गया, यहाँ पे अब इसको वायरिंग लगा के रिले को चेक करते हैं कि रिले काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और बाकी यहाँ से अब रिले से वायरिंग बनाना चालू करेंगे हॉर्न के लिए, तो सेम ऐसी प्रोसेस से रिले का हॉर्न बनाएंगे, वायर बनाएंगे, ठीक है। तो गाइस अभी रिले में वायर लगाते प्रॉब्लम हो गई थी यार, देखो मेरे को फिर से इसका क्लिप चेंज करना पड़ा, क्योंकि रीज़न ये है कि भाई ये 90 डिग्री बेंड जो लगाया था मैंने ये किसे काम करी है। देखो भाई ये पूरा टूट गया, ये क्वालिटी भी इसका लो था तो मैंने रिस्क नहीं लिया, सोचा कि अगर कल को गाड़ी चलते चलते टूट गई अगर वाइब्रेशन से तो पूरा फिर खोलना पड़ेगा, तो मैंने अभी क्या परमानेंट अभी फिर ये 90 वाला क्लिप को हटा दिया और ये फिर नया जो अभी देखो गोल्डन वाला ये रूट्स का है मेरे पास में, ये क्लिप स्ट्रेट क्लिप है लेकिन ये लगा दिया, तो ये सोचा कि ये परमानेंट हो जाएगा क्योंकि ये ओरिजिनल रूट्स का है और वो लोकल था, तो मैंने इसलिए हटा दिया, उसे रिस्क नहीं लिया। तो इसको लगा करके आपको फिर अभी चेक कराते हैं भाई रिले का। तो यहाँ लगा दी वायर, ठीक है, दोनों 86 87 जो मेन
आपका हॉर्न से आ रहा था, ये देखो अंदर से वायर लेके गया हूँ, ये देखो इसका अंदर से है, ये रहा वायर, देखो ओरिजिनल वाला, यहाँ मैंने इसका केबल टाइप मार दिया है, बढ़िया से पता भी नहीं चल रहा कि भाई वायरिंग हुआ, ऐसा लग रहा है वही है मैं, देख लो भाई पता चल रहा वायरिंग हुआ है। यहाँ बटन दबाता हूँ, ये देखो रिले काम करना चालू कर गया, ठीक है। अब यहाँ से इसकी वायरिंग बनानी है 30 नंबर, जो किसी तरह बैटरी में जाएगी, यहाँ से देखो ये 30, यहाँ से यह बैटरी, छोटा सा खाली वायर यहाँ बनाते हैं ब्रेडेड वाला, पर इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे सेम इसको बनाया ना, ये देखो स्लीव डाला अंदर में से किया, सेम ऐसे करके बनाते हैं, तो ये करके आपको दिखाते हैं। तो ये दो इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये देखो एक साइड तो लगेगा ऐसा क्लिप जो रिले में लगेगा, और एक साइड लगेगा इस तरह का, ठीक है। ये है आपका टर्मिनल, ये 8 mm का, ये शॉप में बोलोगे तो मिल जाएगा। ये देखो ये निकाला है मेरे पास बहुत सारे, ये देखो भरती भाई पैकेट में, दुकान ही पूरा लेके आ गया उठा करके सारा। क्लिप में से देखो अपना रूट्स का ये क्लिप है, एक साइड ये लगेगा साइड लगेगा, तो वायर को काटते हैं, इसमें चढ़ाते हैं ब्रेडेड स्लीव, गर्म करते हैं इसको, और ये वायर को रेडी कर फिर आपको दिखा। पॉजिटिव वाला तार बना रहा था अभी, ठीक है, ये देखो रेड वाला मैंने स्ट्रेट केबल दे दिया, फोकस कर देता हूँ, चेक कर लो, ये देखो छोटा सा केबल यहाँ डाल दिया मैंने, हीट सिंक ट्यूब, ये हो गया, देखो बैटरी वाला टर्मिनल, वायर को छील लेते हैं थोड़ा लंबा, के बाद ये जो ब्रेडेड है, ठीक है, ये ब्रेड वाली स्लीव है, इसको खींच के ले आओ आगे तक, ठीक है, ये पोजीशन तक ले आओ, और ये जो है हीट सिंक ट्यूब को थोड़ा घिसका के ले जाओ आगे तक, और ये टर्मिनल का ये जो है ना पॉइंट देख रहे हो वायर वाली, इसको पूरा कवर करना है, तो इसको घसीट के भाई ले जाओ ऊपर तक चढ़ा दो, एंड ये देखो ये इसको ऊपर से चढ़ेगा, ये देखो ये पोजीशन तक आना चाहिए, इतना लंबा काटना है कि आपका ब्रेडेड भी ढक जाएगा, ठीक है, ब्रेडेड स्लीव ढक जाए और हीट सिंक ट्यूब यहाँ तक चढ़ जाए, और उसके बाद यहाँ पे आपको मारना है लाइटर, ठीक है, ये देखो ये लाइटर मारा और ये पूरा जो है चिपक जाएगा, ये देखो कैसा शरिंग हो रहा है, ठीक है, थोड़ा घुमा लें, ये देखो ये पूरा पोजीशन ले लिया, ना यहाँ से पानी जाएगा ना कोई शॉर्ट का चांसेस है। तो ये होता है तरीका वायरिंग बनाने का, मेरे को दिखा दो भाई ऐसा वायरिंग कहाँ मिलता है और कौन बनाता है, ये देखो ये छोटा सा वायरिंग, ये देखो आपका सामने बनाया, लाल वाला डाल दिया इस पर, हॉर्न का जो कैप है लाल डाल दिया इस पर, ताकि ये बैटरी का पोजीशन याद रहेगा, और ये डायरेक्ट बैटरी के 8 mm का जो बोल्ट है खुल के वहाँ लगेगा, और ये देखो भाई वायरिंग, ये होता है तरीका, ये देखो ठीक है, कितना सही वायरिंग बनाया भाई, ये आपको दिखा रहा था, ये सरप्राइज़ था आपके लिए कि भाई ऐसा वायरिंग देखो बनेगा, ठीक है, ये देखो ये ब्रेडेड कंप्लीट वायरिंग में कहीं शॉर्ट का चांसेस नहीं है, कहीं वायर रगड़ाएगा नहीं, ये ब्रेडेड इसीलिए होता है, ठीक है, ये देखो भाई ये बन गया, तो इसको लगा करके फिर आपको दिखाते हैं भाई। रेड वाला जो वायर है 30 नंबर रिले का, ये देखो रिले का जो है 30 नंबर से रेड निकल के, थोड़ा सा यहाँ घुमा लिया इसको ट्विस्ट करके डायरेक्ट बैटरी पे, ये देखो भाई प्लस साइन पे बैटरी वाला वायर एक लग गया, एक बचा हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये जाएगा हॉर्न पे, ये होता है 87A, इसको 87A बोलते हैं, ये पॉजिटिव हॉर्न का है, ये देखो एक यहाँ एक अंदर, यहाँ एक हॉर्न अंदर, दोनों को डिवाइड होगा, ये एक लास्ट वायरिंग बची हुई है, नेगेटिव ले लेंगे कहीं बॉडी से, यहीं आसपास से देखता हूँ कहाँ से निकालता हूँ नेगेटिव, दोनों वायर को एक साथ पैरेलल निकालना है, ठीक है, तो ये हो गया, ये देखो आराम से रिले भी काम कर रहा है, ये देखो बटन दबाते हैं, ये देखो काम कर रहा मस्त, ठीक है, ये हो गया, ये इसका जो रेड वाला कैप है इसको थोड़ा सा मैंने कटिंग कर लिया था ताकि भाई ढक जाए आराम से, प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है, ये देखो ये ऐसे ढक गया, पॉजिटिव वाला टर्मिनल ये ढक गया, ये देखो ऐसे, ठीक है, ये ढक गया, कोई भी खुला हुआ नहीं है, आपका सामने देख लो भाई, तो सारा चीज़ वो हो गया, और अभी ये देखो दो वायर मैंने लेंथ की निकाल ली है, ये सारा कमोने पर यहाँ से जो निकलने वाला है पॉजिटिव रिले से जो हॉर्न में जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड की देखो ये प्रॉपर लेंथ मैंने इतनी लंबी निकाल ली है, ठीक है, वायर छोटी होनी चाहिए, लंबी हो जाए तो थोड़ा फोल्ड कर लेंगे, लेकिन छोटी होनी चाहिए, एक साइड का निकाल लिया, दूसरे साइड का भी निकाल लेते, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ सेम ही है, ठीक है, और इसको अब जो है यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव निकालेंगे, एक बॉडी से ले लेंगे, एक यहाँ से लेंगे रिले के पास से, तो ये वायर बनाते हैं सेम प्रोसेस से, जैसे ये प्रोसेस से बनाया ना रेडिंग किया, सेम ऐसे करके फिर आपको लेके आते हैं, नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर टाइम मैक्स में डालूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, वैसे ही काफ़ी हो गई है लेंथ, और
चलो ये काम करके फिर दिखाते हैं। देख लो भाई, ये एक लेफ्ट साइड का हॉर्न का वायर निकाल लिया, ठीक है, इतना लंबा। ये देखो दोनों स्लीव रेड एंड ब्लैक में डाल दिया, ये भी थी मेरे पास में, ठीक है। और ये राइट साइड का हॉर्न का हो गया, ये देखो ये राइट साइड का हॉर्न का हो गया। वायर लंबा रखा है, थोड़ा सा छोटा नहीं होना चाहिए। देखो ये भी एक साइड का स्लीव रेड हॉर्न का स्लीव और क्लिप का कवर ही बोलते हैं इसको, एक तरह का, ठीक है। ये देखो ब्लैक और एक रेड, एक तरफ का ये हो गया, एक तरह का हो गया। और अब जैसे जैसे पहले ये स्लीव चढ़ाया था ब्रेडेड वाला, उसे चढ़ा करके इसको रेडी करके फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखो एक साइड का हॉर्न का वायर है, ठीक है, ये हो गया रेडी। यहाँ डाल दिया ब्रेडेड स्लीव, ये डाल दिया हीट श्रिंक ट्यूब, ठीक है, ये जगह तक डाला, ये ट्यूब है भाई। लास्ट का इतना तार छोड़ दिया पोजिशन, ठीक है, फिर यहाँ भी क्लिप लगने वाला है ना, तो इतना इसको डाल दिया। और अब इसको गर्म करेंगे लाइटर से और ये अपना पोजिशन जो है ले लेगा। और इतना हवा में जो लाइटर भी जल नहीं रहा है बाहर में, तो ये देखो भाई ये अपना पोजीशन ले लिया, ये देखो, ठीक है, ये श्रिंक हो रहा है, घुमा ले एक बारी, घुमा करके ये बन गया, ठीक है। ये जाएगा हॉर्न को और इसका एक दूसरा कोना दूसरे वायर के हॉर्न से जुड़ेगा। यहाँ देखो दोनों साइड हॉर्न का जो है बन गया वायरिंग, ठीक है, थोड़ा फोकस कर देते हैं। ये देखो ये एक हॉर्न का है रेड एंड ब्लैक, ये एक हॉर्न का रेड एंड ब्लैक। वायर काफ़ी लंबी कर दी है मैंने, पूरा ब्रेडेड डाल के, ये देखो यहाँ पे हीट श्रिंक ट्यूब डाल के भाई पूरा ज़बरदस्त बना दिया। अब लास्ट में क्या है, ये हॉर्न की वायर को यहाँ ज्वाइंट करना है। एक रेड वाला जाएगा जो आपका रिले में 87 और एक ढो जाएगा ग्राउंड पे कहीं बॉडी पे, तो ये करके फिर आप चेक करना भाई। ये हुआ हॉर्न का केबल रेडी, आपको दिखा देता हूँ रख के यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, पॉजिटिव का बना दिया, ये देखो, तो फोकस कर देते हैं, पॉजिटिव का बना दिया ये रिले में लगने का 87। एक साथ का पास में यहाँ पर डाल दिया टर्मिनल वाला, ये लग जाएगा नेगेटिव पे, ठीक है। नेगेटिव वाला तार को ज्वाइंट कर दिया आपका, ये देखो ब्लैक वाले पे, और प्लस वाले को ज्वाइंट कर दिया रेड वाले पे। ये देखो ये मेरी ब्रेडेड वाली तार हो गई है रेडी ऑन की, ये देखो, ठीक है। तो इसको जो है फटाफट से फिटिंग कर देते हैं। देखो यहीं पे 87 है, 87 के पास में यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या करूँगा आसपास में नेगेटिव वाले ज्वाइंट कर दूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वायरिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आई, आराम से हो गया, ठीक है। ये दोनों साइड को करके फिटिंग करके फाइनली जो है वायरिंग पूरी बैठा दी है भाई मस्त। ये देखो पूरा समझाता हूँ शुरू से ही, ठीक है। ये दो वायर आ रही है, देखो ये नीचे में जो स्लीव है, ये दो वायर आ रही है ओरिजिनल वायर से। देखो सारा तो स्लीव में ही हो गया, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि साला वायरिंग घर पे बनाई हुई है बंदे ने कि साला कंपनी से हो क्या ही, आप बताओ मेरे को, आपको वायर देख कर लग रहा है कि घर से बनाई हुई है, आप मेरे को बताओ, नहीं ना। तो ये देखो हॉर्न का जो दो वायर वो निकाल दिया, जस्ट पास में ही बैटरी पे एक नेगेटिव लग गया, यहीं पे देखो स्लीव लगा हुआ है इसका, हीट सिंक ट्यूब यहीं से ढक दिया पूरा, और यहाँ से थोड़ा वायर निकल गया 87A पे, जो सर्किट डायग्राम दिखाया था 87A। यहाँ पे हॉर्न का आउटपुट है प्लस वाला, ये जो रेड वाला देखो लगा हुआ कैप, ये डायरेक्ट, ये देखो ये वाला वायर है गोल घूम के जा रहा है सीधा बैटरी के पॉजिटिव पे, ये भी ढक दिया टर्मिनल कि कोई शॉर्ट का चांसेस ना हो, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। ये देखो वायर यहाँ से, ये देखो ये दो वायर की हॉर्न के वायर जा रही है, देखो ये एक ये दूसरा, दिख रहा है आपको ये एक ये दूसरा, ये देखो ये जा रही है अंदर हॉर्न के पास पे, आपको मैं फ्लैश दिखा के जला के दिखा, फ्लैश जला दिए, देखो ये अंदर हॉर्न लगा हुआ लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड का ब्रेडेड केबल देखो यहीं से घूम के जा रहा है सारा, यहीं से घूम के अंदर से यहाँ पे केबल टाइप भी मैंने बांध दी, जहाँ जहाँ आपको जरूरत, जहाँ दिख रहा है आपको जरूरत है वहाँ केबल टाइप बांध दो। देखो यहाँ से राइट साइड के हॉर्न की, ये देखो यहाँ पे लग गई है वायर, ठीक है, कहीं वायर सट नहीं रहा, कोई अच्छा गैप है, मेंटेन्ड है, वायरिंग कम्प्लीट हो गई। ये हॉर्न मोटा हॉर्न है, ये वाला एम्पेयर ज़्यादा है हॉर्न का, इसलिए मैंने इतनी मोटी वायर इस पर लगाई है, और वायर के ऊपर ब्रेडेड ये भी कर दिया स्लीव, ताकि कहीं शॉर्ट ना हो कल को गर्म से, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें बैटरी भी आपका डाउन होने का कोई चांस नहीं, 100% मेरी गारंटी है, जैसा मैंने आपको सर्किट दिखाया, जैसे मैंने वायरिंग की जितना मोटा वायर यूज़ किया, जो जो मैंने यूज़ किया सेम चीज़ यूज़ करते जाओगे आपकी बैटरी कभी डाउन नहीं होगी। रिले भी लगाना है रूट्स का लगाओ, ऐसा वायरिंग कर दोगे कभी आपकी बैटरी डाउन नहीं होगी, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। सस्ते वायर लगाओगे, सस्ते क्लिप लगाओगे, शॉर्ट होगा, बैटरी गर्म होगी, फ्यूज़ उड़ेगा, बहुत कुछ काम होगा, इसीलिए ये चक्कर में मैंने वायर भी मोटा कर दिया। हॉर्न भी हैवी है, हॉर्न के एम्पेयर भी ज़्यादा है, 3 या 4-5 एम्पेयर के हॉर्न है, ठीक है।
ब्रेड कर दिया, केबल पूरा कवर अप कर दिया, पता भी नहीं चल रहा कि भाई बाहर से वायरिंग हुई है। तो अब होता है टेस्टिंग कि ये हॉर्न वर्क कर रहा है कि नहीं, तो चलिए अब टेस्ट करते हैं। तो अभी हॉर्न टेस्टिंग में खाली यहाँ पे घर में खाली एक बार ही प्रेस करता हूँ हॉर्न को कि भाई फ्लैट वाले रहते हैं, सब देखेंगे तो बोलेंगे हॉर्न मार रहा फालतू का, ठीक है। यहाँ प्रेस करेंगे फिर चलेंगे हाईवे कहीं खुला जगह पे जहाँ हमेशा मैं टेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो एक बार यहीं पर टेस्ट कर लेते हैं। तो भाई सब पैक कर लिया, ठीक है, सब लगा दिया भाई अपने उन 8-11 का सारा कंप्लीट सीट पैक कर लिया, लेके चलते हैं अभी हाईवे पे जहाँ टेस्ट करते हैं। हॉर्न सारा हो गया, यहाँ पे नहीं बजाएंगे, कंटिन्यू बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और फ्लैट वाले परेशान होंगे फालतू के, ठीक है। तो चलते हैं हाईवे में। तो गाइज अभी आ गए हाईवे पे एकदम खुला, ठीक है, मेरे घर से जस्ट 1 किलोमीटर दूर मेरा घर हाईवे पे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉर्न मारने में कोई परेशानी नहीं होगी भाई, देख लो अपनी एक्सेस अभी, और हॉर्न इतना ज़्यादा लाउड है ना, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सक रहा। आप जब भी हॉर्न लगाओगे यही हॉर्न लगाना, हेला का क्रोम वाला, क्योंकि भाई पूरा वाइब्रेट कर रहा है भाई, इतना ज़रा लाउड है ना भाई, आपने आगे ला डर जा रहा है कि पीछे से कार आ रही है, साइड हो जा रहा है तुरंत, कि ट्रक वगैरह जितने आ रहे हैं सारे साइड हो जा रहे, इतनी जोर आवाज़ है। तो चलो आपको टेस्ट कराते हैं। तो यहाँ बटन दबा रहा हूँ, यहाँ चेक करना है भाई, देख लो आवाज़ कितना ज़्यादा है, हॉर्न इसके अंदर लगे हुए हैं फिर भी आवाज़ जो खिल के आ रही है भाई, ये हो गया पैसा वसूल मेरा। अभी लग रहा है कि कोई हॉर्न लगा भाई गाड़ी पे, पहले मज़ा नहीं आ रहा था इतना, जितना शॉकिंग जो होता था वो शॉक नहीं हो रहा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा आवाज़ है। ये देखो अंदर हॉर्न लगा हुआ है, ये देखो सिल्वर वाला आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और ये साइड थोड़ा अंदर है लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा है, ये जस्ट इसके बैक साइड पे है, ठीक है हॉर्न। तो यहाँ से आवाज़ जो है टकरा के मडगार्ड से आवाज़ बहुत ज़ोर आ रही है, तो फिर से एक बार दबाता हूँ, यहाँ से चेकआउट करो, देख लो भाई साउंड जो है बहुत ज़्यादा है इसका, ठीक है, चेकआउट कर लो आप ही। एक बार ये और दबा के दिखाता हूँ आपको। हाँ तो भाई देख ली ना सारी वीडियो कैसे इंस्टॉल किया, न्यू तरीका दिखाया वायरिंग स्लीव का, जो न्यू गाड़ी में आ रही है भाई, आपको यूट्यूब में कोई दिखाएगा नहीं, मेरे को छोड़ करके मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। इस तरह से वायरिंग को ढका जा सकता, मैंने इंसुलेट किया जा सकता है, फायर प्रूफ, हीट प्रूफ, सारा जितना भी प्रूफ हो सकता सारा प्रूफ है ये वायर, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है कि इसकी पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी इंस्टॉलेशन की हॉर्न की, वो जरूर देखना, उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ बताई थी मैंने। ये वीडियो वैसी यार वैसी 35-40 मिनट की वीडियो होगी, पता नहीं कैसे यार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वीडियो लंबी है भाई, मेरी वीडियो वेब सीरीज जैसी रहती है। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जब भी हॉर्न इंस्टॉल करेंगे आप 2-व्हीलर पे 4-व्हीलर पे, यही हेला का हॉर्न लगाना, सिल्वर वाला, क्रोम वाला, ये सबसे लाउड है। अगर आपको लाउड हॉर्न चाहिए तो यही हॉर्न लगाना, ठीक है। बाकी का सस्ता हॉर्न 4-5-16 मिलता है, जो कंजूसी करते भाई लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट टाइम मैंने कंजूसी की थी ब्लैक हॉर्न लगा के, लेकिन मज़ा नहीं आया, घूम फिर के यही लेना पड़ा मुझे, मेरे पैसे वेस्ट हो गए पहले के। तो बस यही बोलना था वीडियो पे, वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करें, शेयर करें, सबको दिखाएं कि इस तरह से वायरिंग होती है, ठीक है। तो वीडियो करते हैं यहाँ पे क्लोज, स्टिल नाउ, राइट सेफ, टेक केयर, सपोर्ट, शेयर दी वीडियोस एंड बाय बाय।